और ये घमासान मचा हुआ है मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर। सज्जन सिंह वर्मा ने नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह पर निशाना साधा और ये कहा कि गोविंद सिंह को विधायकों ने नहीं चुना है, नेता प्रतिपक्ष वरिष्ठ थे तो हमने गोविंद सिंह को नेता मान लिया। 22 नेताओं की बैठक में कमलनाथ के नाम पर सहमति बनी थी, लेकिन हमारे नेता कमलनाथ है, ये तथ्य ऑन रिकॉर्ड है। गोविंद सिंह ने कहा था कि चुनाव के बाद ही सीएम तय होगा। बाईस बड़े नेताओं की बैठक में स्पष्ट सबने हाथ उठाकर कहा था कि कोई चर्चा नहीं होगी मुख्यमंत्री के चेहरे पे, हमारे नेता कमलनाथ जी हैं और कमलनाथ जी के नेतृत्व में हम 2023 का विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। ये क्लिपिंग है, ये ऑन रिकॉर्ड है। लेकिन डॉक्टर गोविंद सिंह जी कभी कभी भूल जाते हैं कि डॉक्टर गोविंद सिंह जी नेता प्रतिपक्ष बने हैं, क्या विधायकों ने उनको चुना है? क्या नहीं चुना? आप वरिष्ठ थे तो हमने भी मान लिया कि चलो गोविंद सिंह जी बन रहे हैं तो बना दो। इसी तरह कमलनाथ जी और कांग्रेस के नाम पे इस प्रदेश में वोट पड़ेगा। आम जनता की भावना कमलनाथ जी के साथ है कि 1.25 साल की सरकार में जिस तरह सरकार चला के जो काम मध्य प्रदेश की धरती पे किए वो लोगों के लिए एक प्रेरणा का काम कर रहे हैं। चलिए इसी पर ज्यादा चर्चा करने के लिए हमारे साथ इस वक्त बीजेपी प्रवक्ता नेहा बग्गा और इसके साथ ही संगीता शर्मा जी उपाध्यक्ष मीडिया विभाग कांग्रेस से फोनलाइन पर जुड़ गई हैं। आप दोनों का बहुत स्वागत है। सबसे पहले संगीता जी, मैं आपके पास ही आना चाहूंगी। चुनाव में ज्यादा समय बचा नहीं है और सीएम फेस को लेकर इस वक्त कांग्रेस में लगातार उलझने चल रही है। तमाम जो नेता हैं उनके अलग अलग बयान सामने आ रहे हैं। सज्जन सिंह वर्मा कह रहे हैं कि गोविंद सिंह वरिष्ठ है तो इसलिए हमने नेता प्रतिपक्ष मान लिया। देखिए बिल्कुल, ये जो 2023 का जो चुनाव होने वाला है वो माननीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में होने वाला है और सभी हमारे वरिष्ठ नेताओं की मीटिंग दिल्ली में हुई थी और उसमें तय हुआ था कि कमलनाथ जी ही मध्य प्रदेश में चेहरा होंगे और उन्हीं के नेतृत्व में ये चुनाव लड़ा जाएगा। संगीता जी, मैं आपका जवाब पूरा सुनूंगी मैम, लेकिन अगर आप दिल्ली का जिक्र कर रही हैं तो दिल्ली में जब बैठक हुई थी राहुल गांधी मीडिया के सामने आए थे और सीएम फेस को लेकर जब उनसे सवाल पूछा गया था तो उन्होंने बोलने से इनकार कर दिया था। जब बैठक में ही तय हुआ था तो मीडिया के सामने इसे रखना चाहिए। देखिए उन्होंने इनकार नहीं किया था, आपने शायद गलत समझ लिया। उनके सामने 3 से 4 सवाल आए थे, उन्होंने अपना एक सवाल का जवाब देकर वो जा रहे थे, तब और सवाल उनसे पूछने लगे और वो सारे सवालों का जवाब देना नहीं चाहते थे, उनके पास समय नहीं था। अब भाजपा ने उसे कह दिया कि उन्होंने जवाब नहीं दिया, ऐसा कुछ भी नहीं था। आपसी सहमति से तय हुआ है माननीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में चुनाव होगा और माननीय कमलनाथ जी को सभी विधायक चाहते हैं कि माननीय कमलनाथ जी हो। और मैं तो कहती हूँ कि 15 महीनों की जब सरकार बनी थी तो मध्य प्रदेश की जनता ने कमलनाथ जी को पसंद किया था और सरकार बनाई थी। भाजपा ने जरूर खरोद फरोख्त कर दी थी, परंतु इस बार फिर प्रदेश की जनता का मन है कि कमलनाथ जी मुख्यमंत्री बने और वो प्रदेश का फेस है। आप देखिए कि 500 रुपए में गैस सिलेंडर देंगे, 1500 रुपए महीना देंगे, ये भाजपा की झूठी घोषणा से बहुत बेहतर कार्य करते हैं। उन्होंने बिजली भी माफ की है, कर्मचारियों की पेंशन। लेकिन इसके लिए संगीता जी जरूरी है ना कि पार्टी भी एकमत होनी चाहिए। सभी के अलग अलग सुर आ रहे हैं, सभी के अलग अलग बयान आ रहे हैं। गोविंद सिंह कुछ और कह रहे हैं, सज्जन सिंह वर्मा जी कुछ और कह रहे हैं। बिल्कुल, सज्जन सिंह वर्मा जी ने कहा है जो सही कहा है। और मैं आपको बताती हूँ, हमारी यहाँ कोई कला नहीं है, जितना भी कला है वो भारतीय जनता पार्टी के अंदर है। 5-5 पूर्व विधायक इनका विरोध कर रहे हैं, संगठन के अंदर फूट पड़ी हुई है। और मैं तो कहती हूँ कि भारतीय जनता पार्टी में तो अब चेहरा ठीक है। ठीक है मैम, जवाब ले लेते हैं, जवाब ले लेते हैं। संगीता जी जवाब ले लेती हूँ मैं। नेहा जी हमारे साथ जुड़ी हुई है। नेहा जी क्या कहेंगे, बीजेपी के अंदर फूट है, संगठन में अलग अलग सुर है, लेकिन कांग्रेस पर कैसे आप लोग आरोप लगा सकते हैं फिर? देखिए एक बात बहुत स्पष्ट है कि कांग्रेस पार्टी का जो अंदरूनी सरपटवल है वो बार बार दिखाई देता है और ये जो भावी भावी चल रहे थे वो भाव कांग्रेस पार्टी का किसी के अंदर भी नहीं है। गोविंद सिंह जी स्पष्ट कर चुके हैं कि जब वो जीतेंगे ही नहीं कमलनाथ तो मुख्यमंत्री बनने की बात कहाँ से आई। उसी प्रकार से अरुण यादव जी इस बात को पूर्व में एक टीवी चैनल के इंटरव्यू में रख चुके हैं, अजय सिंह राहुल भैया ने इसी बात को सामने रखा था। और अब जिस प्रकार से नेता प्रतिपक्ष भी खुलकर मोर्चा संभाल लिया है, स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि इसीलिए राहुल गांधी जी ने भी स्पष्टता के साथ में एक बार भी कमलनाथ जी का नाम नहीं लिया।
जहां तक है नेता प्रतिपक्ष बनने की बात गोविंद सिंह जी के, तो देखिए ये जिस प्रकार की कलह कांग्रेस की मनगढ़ंत बातों में जनता नहीं आने वाली। और खुद कल गोविंद सिंह जी ने अपना बयान जारी किया है, प्रॉपर वीडियो फुटेज है, आप मीडिया के बंधुओं ने भी दिखाया, सोशल मीडिया पे भी हम देख रहे हैं, टीवी चैनल्स पे भी हमने देखा, स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि एक रथ घोड़े चारों ओर दौड़ रहे हैं, वो कोई अपनी कांग्रेस पार्टी। ठीक है, बहुत धन्यवाद नेहा जी। इसके साथ ही संगीता शर्मा जी आपका भी बहुत शुक्रिया मैम बंसल न्यूज से बातचीत के लिए। तो देखिए इस वक्त चुनावी साल है, ज्यादा समय अब चुनाव को लेकर बचा नहीं है, क्योंकि एक तरफ कांग्रेस ये कह रही है कि हम जून के महीने में ही कुछ ऐसे जो उम्मीदवार हैं उनकी लिस्ट लेकर आएंगे, यानी कि पहली लिस्ट जून में जारी करने की बात कांग्रेस की ओर से कही जा रही है, लेकिन दूसरी तरफ पार्टी में अंदर खाने ही उठा पटक चल रही है, सीएम फेस को लेकर अभी स्थिति क्लियर नहीं है, तो ऐसे में अब कांग्रेस किस तरह से आगे बढ़ेगी ये देखना होगा। और चलिए